ओके हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणी श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम एक नया फिर सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल जो है वो उसका चार खंड है, जैसे कि आपको दिख रहा है। चार खंड में पहला खंड है सूत्र खंड, और द्वितीय है आदि खंड, तृतीय है मध्य खंड, और फिर अंत खंड। तो अभी हम सूत्र खंड जो है पढ़ेंगे। श्री लोचनदास ठाकुर जी के द्वारा रचित है ये जो चैतन्य मंगल। देखा जाए तो श्री वृंदावन दास ठाकुर और श्री लोचनदास ठाकुर दोनों एक समय में किताब लिखे थे और दोनों का नाम एक ही रखे थे। लोचनदास ठाकुर भी रखे थे चैतन्य मंगल, और वृंदावन दास ठाकुर भी रखे थे चैतन्य मंगल। लेकिन बाद में जब पता चला कि दोनों का किताब का नाम एक ही है, तो सारे वैष्णव लोग बैठकर ये तय किए कि जो चैतन्य जो लोचनदास ठाकुर जी के द्वारा जो रचित जो किताब है ग्रंथ है उसको चैतन्य मंगल नाम दिया जाएगा, और जो वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा जो रचित है ग्रंथ है वो जो है चैतन्य भागवत उसका नाम दिया जाएगा। तो लोचनदास ठाकुर के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो लोचनदास ठाकुर सन 1527 में वर्धमान जिले के कटोचा महकुंपा में गुस्खारा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। और किसी किसी के मतानुसार पौष मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि को इनका आविर्भाव हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कमलाकर दास और माता का नाम था श्रीमती सदानंदी। श्री लोचनदास ठाकुर के श्रीपाट के पास ही अजय नदी बहती है,
माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण ये उनके अत्यंत स्नेह के पात्र थे। ये नानी जी के घर में रहकर अध्ययन किया करते थे और उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार छोटी आयु में ही श्री लोचन दास ठाकुर का विवाह हो गया था, जैसे बाल्य विवाह होता था पहले, तो ऐसे विवाह कर दिया गया था। आमेदपुर के काकुट ग्राम में इनका ससुराल था। गृहस्थ आश्रम में होने पर भी वे विषयों से विरक्त थे। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि ज़्यादा विषय ना मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ डील करना पड़ता है, भौतिक चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन ये गृहस्थ होने के बावजूद भी लोचन दास ठाकुर विरक्त थे। हमेशा गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में ही समय बिताना अच्छा समझते थे। शैशव काल से ही उनमें भगवान गौर के प्रति अद्भुत अनुरक्ति देखी जाती थी। तो हमेशा गौर भक्तों के साथ हैं, भक्तों के साथ रहना, ये हमारे जो है वैष्णव का मुख्य सिद्धांत है। कुछ भी हो, हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री लोचन दास ठाकुर के संबंध में एक अलौकिक घटना सुनी जाती है जो इस प्रकार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? ओके, सुनना चाहेंगे तो फिर सुनाते हैं आपको। तो जो तो बचपन में विवाह हो जाने के कारण श्री लोचन दास ठाकुर की स्त्री मतलब अपनी पत्नी, उनकी पत्नी अपने माता पिता के पास रहती थी। पहले तो ऐसे होता था कि बाल्य विवाह कर दिया जाता था और जो है लड़की जो है वो रहती थी मायके में रहती थी, और जब उम्र हो जाता था उसके बाद फिर वो ससुराल आती थी, तो अपने माता पिता के पास रहती थी। कन्या बड़ी हो जाने के कारण एवं श्री लोचन दास के वैराग्य की बात सुनकर कन्या के भविष्य के विषय में सोच कन्या के माता पिता बेचैन हो उठे। जब कन्या अब बड़ी हो गई और कन्या के जो माता पिता थे उन्होंने जब सुने कि ये तो लोचन दास ठाकुर तो साधु बन रहे हैं, विरक्त हो रहे हैं, तो बड़े बेचैन हो गए। अरे, हमने तो अपने कन्या को इसके साथ विवाह कराए थे, अब ये साधु बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे कन्या का क्या होगा। कन्या के माता पिता ने लोचन दास ठाकुर के गुरुजी के पास आकर निवेदन किया। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के आदेशानुसार, तो नरहरि सरकार ठाकुर कौन हुए, लोचन दास ठाकुर के गुरु हुए, है कि नहीं। तो नरहरि सरकार ठाकुर जी के आदेश अनुसार श्री लोचन दास ठाकुर जाने को मजबूर हो गए। जब गुरु आज्ञा हुआ, गुरु ने कहा कि आपको जाना चाहिए हैं? और अपना ससुराल जाना चाहिए और आप अपनी पत्नी को लेकर आना चाहिए, तो मजबूर हो गए वो जाने के लिए। लंबे समय से ससुराल न जाने के कारण, वो तो बचपन में गए होंगे, अब कहाँ पता है ससुराल कहाँ है। ससुराल ना जाने के कारण घर न पहचान पाने पर इन्होंने गांव के एक वयस्क महिला को माँ संबोधित कर घर के बारे में पूछा। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कई जगह में कई बार जाता हूँ लेकिन मुझे जो है ना याद नहीं रहता है कि किस रास्ते में जाना है, किस घर पर पहुँचना है। तो मैं जब जाता हूँ तो टोटली कंप्लीट डिपेंडेंट होता हूँ, जो भी ड्राइवर है वो मेरे साथ जो भी है उन्हीं के ऊपर मैं पूरा डिपेंडेंट होता हूँ। तो लोचन दास ठाकुर जो है उनको तो पता नहीं ससुराल कहाँ है, तो वो उस गांव में पहुँचे और एक जो है स्त्री थी हाँ, तो उनको उन्होंने जो है पूछे कि माँ कह के पूछे, माता जी कि आपको पता है क्या ये जो फलाने व्यक्ति का घर कहाँ है, मतलब अपना ससुराल का घर कहाँ है, वही पूछ रहे हैं उनको, उनका घर कहाँ है आपको पता है क्या।
तो बाद में ससुराल पहुंचकर मालूम हुआ कि जिसको उन्होंने माँ संबोधित किया था वही उनकी स्त्री थी, पत्नी है। तो पहले तो माँ बोल दिए हैं, अब पता चला कि वही पत्नी है। तभी से श्रील लोचन दास ठाकुर ने अपनी स्त्री को स्त्री रूप में ना देकर जननी रूप में मानते हुए वैराग्य के साथ जीवन के अंतिम दिनों को श्री गुरु और गौरांग जी के भजन परायण रहकर गुजारा। जब उन्होंने ऐसे मतलब उन लगा कि मैं जब माँ संबोधित किया कर दिया हूँ तो इसको मैं पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करूँगा, तो फिर उन्होंने उनको जननी के रूप में ही पूरे जिंदगी उन्होंने देखे और गुरु के प्रति समर्पित हुए। अच्छा लगा लोचन दास ठाकुर जी का ये लीला। श्रीखंड के प्रसिद्ध गौर पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्री लोचन दास ठाकुर के प्रति स्नेहाविष्ट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान कर उन्हें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। श्री लोचन दास ठाकुर भी श्रीखंड में गुरुदेव के पाद पद्मों में अवस्थान करते हुए परम उत्साह के साथ गुरुदेव की सेवा करने लगे। गुरुदेव ने उन्हें कीर्तन के विषय में शिक्षा दी और श्री गौरांग महाप्रभु का पावन जीवन चरित्र लिखने के लिए आदेश किया। नरहरि सरकार ठाकुर जो है लोचन दास ठाकुर जी को जो है क्या किए, आदेश किए कि आपको चैतन्य महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु को के जीवन के ऊपर लिखना चाहिए। श्री गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्होंने श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करने से सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है। जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय। इसलिए ग्रंथ का नामकरण हुआ श्री चैतन्य मंगल। तो ग्रंथ का नामकरण क्यों हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सुनने से क्या होगा, मंगल होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। गौरांग महाप्रभु का जो मधुर लीलाएं हैं जिसके कानों में प्रवेश करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल मतलब उस हृदय में मल नहीं रहता। श्री चैतन्य मंगल ही था जो कि बाद में परिवर्तित होकर श्री चैतन्य भागवत हुआ। श्री लोचन दास ठाकुर की वंदना में इसका संकेत मिलता है। तो जो वृंदावन दास ठाकुर जो है उन्होंने जो लिखे वो भी चैतन्य मंगल रखे थे, मैं जैसे पहले बताया था, और वो जो है क्या हो गया, चैतन्य भागवत हो गया। बंदी व श्री वृंदावन दास एक चिते जगत मोहित यार भागवत गीते। तो चैतन्य जो लोचन दास ठाकुर वो जो है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में लिख रहे हैं, मैं एक चित्त होकर श्री वृंदावन दास ठाकुर को सादर प्रणाम करता हूँ जिनका ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत सारे जगत को आकर्षित करता है। देखिए एक राइटर मतलब लोचन दास ठाकुर भी एक राइटर है और जो है वृंदावन दास ठाकुर भी एक राइटर है और दोनों एक ही ग्रंथ लिख रहे हैं, टॉपिक एक ही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट है। लेकिन जो कि भौतिकवादी दुनिया में नहीं मिलेंगे। भौतिकवादी दुनिया में क्या होता है कि अगर एक राइटर किताब लिखता है तो वो सोचता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मेरा किताब को सब लोग पढ़ना चाहिए बल्कि उसका किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जस्ट अपोजिट है। लोचन दास ठाकुर खुद अपने चैतन्य मंगल में ही लिख रहे हैं कि चैतन्य भागवत पढ़ने से क्या होगा, चैतन्य भागवत जो है सारे जगत को आकर्षित करता है। तो ये जो है वैष्णव सिद्धांत है ये। कोई कोई ऐसा भी सोचते हैं कि श्रील लोचन दास ठाकुर व श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रील वृंदावन दास ठाकुर रचित ग्रंथ का नामकरण श्री चैतन्य भागवत किया था। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में सूत्रखंड में
श्री नरहरि सरकार ठाकुर से कृपा प्रार्थना इस प्रकार की गई है। ठाकुर श्री नरहरि दास प्राण अधिकारी यार पद प्रत्याशे आश अघमेह साधकरे गौर गुण गाहिबारे से भरसाए लोचन दास। श्री नरहरि ठाकुर मेरे जीवन है और मैं उनका सेवक हूँ, उनके चरण मेरी आशाओं की आशा है, तथा यद्यपि मैं पतित हूँ तब भी मैं भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने के लिए लालायित हूँ, लोचन दास की यही आशा है। तो अपने गुरु के बारे में लिख रहे हैं कि नरहरि ठाकुर जो है मेरे जीवन है और मैं उनका सेवक हूँ। तार पद परसादे गाइब न बसा दे एई मोर भरसा अंतर से दुखानी चरण इष्ट सिद्धि काम हृदय थुईबे निरंतर। श्री नरहरि ठाकुर के चरण कमलों की कृपा से मैं इन गीतों का गान कर सकूंगा, ऐसी आशा मेरे हृदय में है। मैं तो लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरु के कृपा से हो सकता है कि मैं महाप्रभु के लीलाओं के बारे में कुछ गान कर पाऊँगा, और इस प्रकार मेरे हृदय में आशा है। समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उनके दोनों चरण कमलों को मैं सदैव अपने हृदय में धारण करता हूँ। ताहा बिनु नाही मोर तिनी लोके बंधु नरहरि दास बंदो गौर प्रेम सिंधु। मैं नरहरि ठाकुर को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु के बारे में जो है वो कह रहे हैं ना। उनके अतिरिक्त इस जगत में मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। वे भगवान गौर की महिमा एवं यश के सागर है। अमर ठाकुर प्रभु नरहरि दास प्रणति विनती करो पुरमर आश। श्री नरहरि ठाकुर मेरे स्वामी है, मैं उन्हें अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ, कृपया मेरी अभिलाष को पूर्ण कीजिए। तो इसी प्रकार जो है हमने लोचनदास ठाकुर जी के बारे में कुछ चर्चा किए। तो अब जो है हम शुरू करेंगे इसका जो प्रस्तावना से शुरू करेंगे सूत्रखंड से शुरू करेंगे। सो सूत्रखंड में ये मंगलाचरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव गणों की लोचनदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। भक्ति प्रेम महार्घ रत्न निकर त्यागे न संतोषयन भक्त्यान भक्त जनातिनी कृति विधौ पूर्णा वितीर्ण कलौ पाषंडान परिचूर्णयन त्रिजगतां हुंकार वज्रांकुरैहि श्रीमन्याशि शिरोमणि वर्जित जयतां चैतन्य रूपः प्रभु। तो पहला मंगलाचरण का पहला श्लोक है। शरणागत भक्तों को कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य रत्न प्रदान करने के निमित्त जो अपने पूर्ण स्वरूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि जो कि शरणा भक्तों को क्या देते हैं, अमूल्य रत्न प्रदान करते हैं। वो अमूल्य रत्न क्या है, क्या है वो अमूल्य रत्न, कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा क्या अमूल्य रत्न है?
कृष्ण प्रेम ये देने के लिए अपने पूर्ण स्वरूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं और भक्तों का उद्धार कर उन्हें कृष्ण प्रेम की दुर्लभ वस्तु भेंट करके संतुष्ट करते हैं। परंतु जिन्होंने हरि नाम के हुंकार रूपी वज्राघात से पाषाणियों का दर्प विचूर्ण कर दिया है, ऐसे सन्यासियों के चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सन्यासियों की चूड़ामणि। नमो नमो बंदो देव गणेशक्षर विघ्न विनाशन महाशय एकदंत महाकाय सर्वकार्य सहाय जय जय पार्वती तनाय। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखिए गणेश जी का वंदन कर रहे हैं लोचनदास ठाकुर। हाँ, क्यों वंदन कर रहे हैं? कह रहे हैं, कह रहे मैं विघ्न विनाशन, हाँ, मैं विघ्न विनाशन गणेश जी को की वंदना करता हूँ, जिनका महाकाय शरीर एक हस्ती दंत से शोभित है, जो सभी मंगलमय कार्यों में सहायक है। ऐसे पार्वती तनय की जय हो, ऐसे पार्वती तनय की जय हो। हर गौरी बंदो माथे जुड़िया जुगलो हाते चरणे पड़िया करो सेवा त्रिजगत एक कर्ता विष्णु भक्ति वरदाता सबे एको एई देवी देवा। अपने दोनों हाथ जोड़कर मैं गौरी और शिवजी के समक्ष नतमस्तक होता हूँ। उसके बाद क्या है, शिवजी और पार्वती माता को भी, माता से भी वो आशीर्वाद की जो है याचना कर रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं। उनके चरणों में गिरकर मैं उनकी सेवा करता हूँ। भगवान विष्णु ही तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, शिवजी और पार्वती भगवान विष्णु की भक्ति का वरदान प्रदाता है। तो इसमें पता चलता है कि वैष्णव जो है, हाउ दे आर सो रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल। सरस्वती बंदो मुंडे केली करत मोर तुंडे कहो गौर हरि गुण गाथा आविदित त्रिजगते गौर पर्णवाणी नाथे अद्भुत अपरूप कथा। फिर सरस्वती देवी, मैं सरस्वती देवी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हे देवी, मेरी जिह्वा को ऐसा क्रियाशील कीजिए कि जिसके द्वारा मैं भगवान गौर हरि के गुणों की महिमा का गान कर सकूँ। सरस्वती देवी के गौर वर्ण युक्त नाथ की अद्भुत कथा का वर्णन मेरे मुख से हो जो त्रिजगत को अज्ञात है। सरस्वती जी हैं जो आप पढ़ेंगे कि जो केशव कश्मीर जो है एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, पूरे जो है भारत में वो सभी जगह में वो विजय हासिल किया था, और विजय हासिल करके वो जो है नवद्वीप में पहुंचा था, क्योंकि नवद्वीप एक जगह वो वहाँ पे जीता नहीं था, और उस समय काशी और नवद्वीप में बहुत पंडित रहते थे। तो वहाँ पे जब पहुंचता है और फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई के साथ जो है संवाद होता है, तो उस संवाद में वो क्या हो जाता, हार जाता है, जबकि उसको सरस्वती का वरदान मिला था। तो लेकिन जब उसने जो है सरस्वती माता को जाके जब पूछता है कि आपने तो मुझे वरदान दिया था, मैं कभी हारूंगा नहीं, तो सरस्वती माता वहाँ पे कहती है कि वो मेरे पति है, वो मेरे नाथ है, मतलब गौरांग महाप्रभु मेरे नाथ है। तो वही इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो सरस्वती देवी के गौर वर्ण युक्त नाथ की अद्भुत कथा का वर्णन मेरे मुख से हो। काकु करो देवगणे आरयत गुरुजने विघ्न ना करिहो कहो इथि ना चाहो संपदवर मुई अति पामर निर्विघ्ने संपूर्ण हो पुथि। मैं विनम्रता पूर्वक याचना करता हूँ, हे गुरुजन, हे देवतागण,
कृपया मेरे समक्ष कोई भी अवरोध मत आने दीजिए। मुझे धन संपत्ति की चाह नहीं है, मैं तो पतित व्यक्ति हूँ। कृपया बिना किसी बाधा के यह ग्रंथ पूर्ण हो जाए। सारे देवताओं के भी देवताएं गुरुजन सब सबसे जो है वो कृपा याचना कर रहे हैं। विष्णु भक्त बंदो आगे यत यत महाभागे यार गुणे पृथ्वी पवित्र सर्वजीवे करे दया विशेष आरती पाया त्रिभुवन मंगल चरित्र। मैं भगवान विष्णु के उन सौभाग्यशाली भक्तों के समक्ष नतमस्तक हूँ जिनका उच्च आचरण व सद्गुण संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हैं और जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयावान है। ऐसे भक्तों की लीलाएं तीनों लोकों के लिए मंगलदायक है। तो भक्तों को की कृपा याचना कर रहे हैं। मुई अति अभाजन ना बुझो लाहीन वास बाम आकाश धरिते चाहो बाहे अंधे दिव्य रत्न बांछे पर्वत ना देखे काछे ना जाने की परिणाम है। मैं अयोग्य हूँ, मुझे बाएं दाएं का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मैं आकाश को पकड़ना चाहता हूँ। मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ जो एक वैभवशाली रत्न को ढूंढना चाहता है। यद्यपि मुझ में एक पर्वत तक को देखने की शक्ति नहीं है, मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। कितना विनम्र है लोचनदास ठाकुर, है कि नहीं? कह रहे मैं अंधा व्यक्ति हूँ जो कि वैभवशाली रत्न को ढूंढना चाहता हूँ। वैभवशाली रत्न कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं। और जो है मैं बाएं दाएं तनिक भी मेरा ज्ञान नहीं है। मैं आकाश को पकड़ना चाहता हूँ जबकि मैं अंधा हूँ। तो इसी प्रकार विनम्र यहाँ पे अपना विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। सबे एक भरोसा छे प्रभु ना ही कहे बाछे गुण गाय उत्तम अधमे सर्व जीवे समदया सबे पाय पद छाया अधिकारी नाही क नियमे। मात्र एक आशा की किरण शेष है। सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनना चाहेंगे? एकमात्र आशा क्या है? उच्च या निम्न जो भी व्यक्ति उनकी महिमा का गुणगान करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान जी का गुणगान करना चाहते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, चाहे उच्च का हो या नीच हो। वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृपालु है। प्रत्येक व्यक्ति को वे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र है या नहीं है। तो भगवान जो है क्या है, वो सबको कृपा देते हैं, है कि नहीं? तो भगवान ये नहीं देखते कि ये पात्र है, ये लेने योग्य है कि नहीं है, बल्कि हम लोग जो है शिकायत करते रहते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए था नहीं मिला है। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि भगवान जो है वो कितने कृपालु है। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र है या नहीं है। ये पुनः वैष्णव जन तार कथा कही सुनो कारणे दया सर्वलोके पर लागी जीवन पर लागी विभूषण पर उपकारे माने सुखे। कृपया वैष्णव जनों के यशोगान को श्रवण कीजिए। अब जो है वैष्णव जन का क्या कर रहे हैं,
गुणगान कर रहे हैं, जसोगान कर रहे हैं। वे बिना किसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयालु होते हैं। वैष्णव जो है बिना किसी कारण वो वैष्णव जनों के प्रति दयालु होते हैं, भक्त लोगों के प्रति दयालु होते हैं, जीव के प्रति दयालु होते हैं, बिना किसी कारण। इसको बोलते हैं अहेतुकी, मतलब ये नहीं है कि इच्छा मन में कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, बिना कारण। वे दूसरों के लाभ हेतु ही जीते हैं। वैष्णव जन तो तेने कही ये जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो वैष्णव जन जो है वो पर दुखी दुखी है। और देखा जाए तो वैष्णव जन जो है वो अपने लिए नहीं जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, अन्यों के लिए जीते हैं वो वैष्णव जन है। और अन्य लोगों को तो वे अपने आभूषण तक दे देते हैं। जब वे दूसरों के लिए कल्याण कार्य करते हैं तब उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। वैष्णवों का हृदय कैसे प्रसन्न होता है, जब वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, है ना, है कि नहीं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम सनातन गोस्वामी पाद, देखिए सनातन गोस्वामी पाद के पास जब एक ब्राह्मण पहुँचे, हैं शिवजी ने उनको बोले थे कि सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि है, तुम जाके वहाँ से ले लेना। बनारस का वो ब्राह्मण जब सनातन गोस्वामी के पास पहुँचते हैं और जो है कथा के उपरांत वो कहते हैं कि शिवजी मुझे भेजे हैं आपके पास पारस मणि लेने के लिए, तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं उससे ये कौन सी बड़ी बात है, वो जो मेरा डस्टबिन है ना वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है, ले जाओ। तो इसी प्रकार वह अपने आभूषण तक भी दे देते हैं। ठाकुर श्री नहर हरि दास प्राण अधिकारी यार पद प्रति आशे आश अघ मेह साध करे गौर गुण गाहे बारे ए से भरसा ये लोचन दास। श्री नरहरि ठाकुर मेरे जीवन है और मैं उनका सेवक हूँ, उनके चरण में मेरी आशाओं की आशा है। यद्यपि मैं पतित हूँ तब भी मैं भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने के लिए ललायित हूँ, लोचन दास की यही आशा है। गुरु की कृपा ही जो है एक शिष्य का आशा होता है, है कि नहीं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखी बार। एक्चुअली शिष्य की योग्यता क्या है, शिष्य की योग्यता यही है कि गुरु की कृपा। तो वही जो है लोचनदास ठाकुर नरहरि ठाकुर को ठाकुर जी से क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उन्हीं के चरण ही मेरी आशाओं की आशा है। तार पद परसादे गाइब अनवसादे यही मोर भरसा अंतर से दुखानी चरण इष्ट सिद्धि काम हृदय थुईबे निरंतर। श्री नरहरि ठाकुर के चरण कमलों की कृपा से मैं इन गीतों का गान कर सकूंगा, ऐसी आशा मेरे हृदय में है। समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उनके दोनों चरण कमलों को मैं सदैव अपने हृदय में धारण करता हूँ। तो गुरु के चरण कमलों को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद, जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, करुणा भरण सब हेम गोरागा, बंदिया गाइब से शीतल गरांगा पा। भगवान गौर का गोरा रूप स्वर्ण के समान वैभवपूर्ण तथा दया से पूर्ण है, उनके लाल वर्ण से युक्त शीतल चरणों के समक्ष गिरकर
मैं उनकी महिमा का गुणगान करूँगा। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौरांग महाप्रभु का जो चरण है, दोनों चरण है, जारो धन संपद, जिसका धन और संपद है, वो जो है भक्ति के सभी सार तत्व को जानता है। सकल भक्त लैया बेसह आसरे ओपद शीतल वा लागू ककले वरे। हे भक्तगण, सब एक साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाइए। लोचनदास ठाकुर आप लोगों को कह रहे हैं, आप सभी भक्तों को कह रहे हैं, आप जो है महाप्रभु के चरणों में बैठ जाइए और भगवान के चरणों की शीतलता का स्पर्श करके कृतार्थ हो जाइए। सचिर दुलाल प्रभु करो प्रणाम, तिलके करुणा दिठे करो अवधान। हे सची माता के पुत्र, आप भी मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, कुछ समय के लिए आप हम पर अपने कृपा दृष्टि डालकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। श्री अद्वैत आचार्य गोसाई देव शिरोमणि यार पद प्रसादे धन्य ये धरणी। श्री अद्वैत आचार्य गोसाई समस्त प्रभुओं में से सर्वश्रेष्ठ है, उनके चरणों की कृपा द्वारा ही यह जगत भाग्यशाली बना है। बंदिया गाई बसे सीतार प्राणनाथ, करुणा करह प्रभु करो जोड़ो हाथ। हे सीता देवी के प्राणनाथ, अद्वैत आचार्य के जो शक्ति है, अंतरांगा शक्ति है, पत्नी है, उनका नाम कौन क्या है? सीता देवी, सीता ठाकुरानी। तो कह रहे हैं सीता देवी के प्राणनाथ, हे आपके चरणों की, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़ें, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। अभिन्न चैतन्य से ठाकुर अवधूत, नित्यानंद राम बंदो रोहिणी रसुत। मैं अवधूत, भगवान नित्यानंद के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, जो रोहिणी के देवी के पुत्र स्वयं बलराम है और वे भगवान चैतन्य से अभिन्न है। कृष्ण और बलराम या चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है, ठीक नहीं? गोरा गुण गर्वे गर गर मातो यार, वंदिया गाई वो आगे चरण ताहर। मैं गर्गाचार्य के चरणों में गिरकर उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ, जिन्हें अपने पौत्र भगवान गौर के सद्गुणों तथा यश पर अत्यधिक गर्व है। मिश्र पुरंदर बंदो विश्वम्भरेर पिता, सची ठाकुरानी वंदो ठाकुरेर माता। मैं भगवान विश्वम्भर के पिता, विश्वम्भर जो है चैतन्य महाप्रभु का ना पहला नाम था, पहला नामकरण जो किया गया था, क्या किया गया था? विश्वम्भर, जो कि विश्व को भरण पोषण करने वाले। मैं उनके पिता हैं जगन्नाथ मिश्र को प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान की माता सची ठाकुरानी को सादर प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी ठाकुरानी वंदो विदित संसारे, प्रभु प्रभुर विरह सर्प दंशील यहारे। मैं भगवान की पत्नी लक्ष्मी ठाकुरानी को सादर प्रणाम करता हूँ, उन्हें भगवान के विरह रूपी सर्प ने डस लिया था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो पहली जो पत्नी थी वो लक्ष्मी ठाकुरानी थी, लक्ष्मी प्रिया। लेकिन जब महाप्रभु बहुत दिन तक जब है ना बांग्लादेश में रह गए, तो विरह में उन्होंने जो है उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए। नवदीपमयी बंदो विष्णुप्रिया मा, यार अलंकार से प्रभुर रंगापा। मैं माता विष्णुप्रिया को सादर प्रणाम करता हूँ, जो नवदीप में वास करती है, जो भगवान गौर के लाल वर्ण के चरण कमलों को आभूषण के रूप में धारण करती है।
उसके बाद फिर पुंडरिक विद्यानंद विद्यानिधि को प्रणाम करते हैं। जो पुंडरिक विद्यानिधि कौन है, वो स्वयं जो है जो वृषभानु है, वृषभानु जो कि राधारणी के पिता है, वो आए थे पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जो है पुंडरिक विद्यानिधि का नाम लेते ही उनको उनके आंखों में आंसू आ जाता था। एक चित्त होकर मैं श्री पंडित गोसाई को प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील और ईश्वरपुरी तथा श्रील माधवेन्द्रपुरी के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। तो माधवेन्द्रपुरी के जो शिष्य हुए कौन है, श्री श्रीपाद ईश्वरपुरी, और श्रीपाद ईश्वरपुरी के शिष्य कौन है, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। मैं गोविंद गोसाई तथा बक्रेश्वर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान गौर के चरण कमल रूपी कमल पुष्पों पर मंडराते दो उन्मत्त भौरों के समान है। परमानंदपुरी विष्णुपुरी तथा गदाधर दास के चरण कमलों को अपने शीश पर रख कर मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। अत्यधिक हर्ष के साथ मुरारी गुप्त की वंदना करता हूँ। तो मुरारी गुप्त जो है वो स्वयं कौन थे, हनुमान जी थे, है ना, वो हनुमान जी थे। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे थे, लेकिन मुरारी गुप्त जो है वो किनको, उनका जो जो वर्शिपेबल डीटी थे वो है राम लक्ष्मण, हाँ सीता माता थे, है ना, राम सीता, सीता राम लक्ष्मण जी थे, है ना। तो इसलिए मुरारी गुप्त का जो है पाठ बोलते हैं उसको, वहाँ पे अब जब जाएंगे जो जो से चैतन्य गौड़े मठ से के पीछे, तो वहाँ पे भी आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे उनके पूजित विग्रह है, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान हैं। मैं श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को सादर प्रणाम करता हूँ। मुकुंद दत्त वासुदेव दत्त के चरण कमलों को प्राप्त करने की लालसा रखता हूँ। मैं आध्यात्मिक प्रेम के धन रामानंद राय को सादर प्रणाम करता हूँ और जगदानंद पंडित की शाश्वत रूप से वंदना करता हूँ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राघव पंडित, राम सुंदरानंद, गौरीदास, नित्यानंद प्रभु के अन्य पार्षदों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। नरहरी ठाकुर को प्रणाम करता हूँ और फिर गोविंद घोष, माधव घोष, वासु घोष, सबको, सभी से जो है लोचनदास ठाकुर क्या मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर को भी जो है कृपा मांग रहे हैं। हे मेरे भ्रातागण, प्रत्येक क्षण में श्री रघुनंदन ठाकुर के घर में स्थापित विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ। क्यों? क्योंकि रघुनंदन ठाकुर के घर में जो विग्रह थे, वो विग्रह क्या किए थे, रघुनंदन के हाथ से पूरा एक थाली लड्डू खा गए थे। जब उनके पिताजी आके पूछे कि रघुनंदन प्रसाद लाओ, तो रघुनंदन का, वो तो भगवान ठाकुर जी पूरा थाली खा गए हैं। उनके पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो है वो रघुनंदन, है ना, ठाकुर के घर में स्थापित विग्रह को मैं प्रणाम करता हूँ। रघुनंदन ठाकुर सभी भक्तों को रघुनंदन ठाकुर अत्यंत प्रिय है, जिनके लिए प्रभु ने माला चंदन प्रदान किया। और रघुनंदन के पिता कौन थे, मुकुंद दास थे, है ना। मैं किसी का नाम जानता हूँ या नहीं, किंतु मैं समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ऐसे रत्न हैं जिन्हें मैं अपने शिष्य पर धारण करता हूँ। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ से हमें शिक्षा मिलता है कि वैष्णवों को जो है हमें कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। वैष्णवों को रत्न, है ना, रत्न के समान यहाँ पे लोचनदास ठाकुर तुलना कर रहे हैं, है कि नहीं। और हम लोग जो है वैष्णवों के साथ लड़ाई करते हैं, है कि नहीं।
तो वैष्णव को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, है कि नहीं। मैं महंत तथा उनके अनुयायियों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एक साथ उनके चरणों की महिमा का गान करता हूँ। मैंने किसी का नाम प्रथम, किसी भक्त का बाद में वर्णित किया है, इस पर विचार ना करे। ये कोई सोचे ना कि मैंने तो, अरे उनका नाम पहले आया, मेरा नाम बाद में आया है, तो ऐसे विचार ना करे। हैं, सो यहाँ पे भी पता चलता है जो वैष्णव जो है वो हाउ मच दे सेंसिटिव यू आर, हैं, कितना सेंसिटिव होना चाहिए वैष्णव को, है कि नहीं। बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, हैं, क्योंकि यहाँ कोई सटीक वर्णमाला का क्रम नहीं है। यदि त्रुटिवश मैंने किसी का नाम उल्लेख नहीं भी किया है तो मैं उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। अगर मैंने कहीं पे किसी को अगर छोड़ दिया हूँ तो उनको मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ। जिनका नाम नहीं लिखा हूँ उसको 100 बार प्रणाम करता हूँ, जिनका लिखा हूँ तो 1 बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उसके प्रति किए गए अपराध से मैं स्वयं मुक्त कर लूँगा। मैं उन भक्तों को अपना सादर प्रणाम करता हूँ जो पृथ्वी तथा ऊपर के लोकों में निवास कर रहे हैं। एक एक करके मैं प्रत्येक भक्त के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान गौर के प्रति आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त करने की सुखमय इच्छा को हृदय में धारण करते हुए श्री लोचनदास ठाकुर अत्यंत आनंदपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य महिमा का गान कर रहा हूँ। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, प्रिय मित्रों, मैं बारंबार आपसे विनती करता हूँ, हे महात्माओं, मैं आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए याचना करता हूँ, जिससे मैं भगवान गौर की महिमा का गुणगान कर सकूँ। मैं अत्यधिक तुच्छ व्यक्ति हूँ, इस आध्यात्मिक सत्य को कैसे समझ सकता हूँ और कैसे चैतन्य श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र का वर्णन कर पाऊँगा। हम सत्य को समझ ना पाने के कारण मेरी मूर्खतापूर्ण बातों का क्या लाभ। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च सत्य को न जानकर मैं कुछ कहूँगा तो मैं उन महात्माओं के समक्ष लज्जित अनुभव करूँगा। यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, फिर भी मैं भगवान गौर के गुणों की मधुरता का गान करने के लिए लालायित हूँ। हालांकि मैं मूर्ख हूँ, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन क्या करूँ, लोल्यम लालच है ना, थोड़ा सा मुझे, मैं लालायित हूँ कि गौरांग महाप्रभु का गुणों का वर्णन करूँ, है कि नहीं। श्री मुरारी गुप्त नवदीप में वास करते वे सदैव भगवान गौरचंद्र के निकट वास करते। उनके यश का वर्णन करने की शक्ति किसमें है, इस जगत में वे हनुमान के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने समुद्र को लांग कर लंका दहन किया और सीता देवी के संदेश को ले जाकर भगवान राम के समक्ष दोहराया था। उन्होंने विशल्यकरणी नामक जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। वही हनुमान मुरारी गुप्त बने तथा नदिया में रहते थे। हनुमान जी जो है वो मुरारी गुप्त बने। वे भगवान के समस्त रहस्यों से अवगत थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान और भगवान गौर के चरण कमलों के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उन्होंने भगवान गौर की जन्म से बाल्यकाल तक की प्रेमपूर्ण लीलाओं को प्रारंभ से अंत तक वर्णन किया है। दामोदर पंडित ने उन्हें इन समस्त लीलाओं का प्रारंभ से अंत तक वर्णन करने के लिए कहा, तब मुरारी गुप्त ने संस्कृत श्लोक के रूप में एक पुस्तक लिखी जिनका शीर्षक है गौरांग चरित अथवा श्री चैतन्य चरित महाकाव्य। यह पुस्तक मुरारी गुप्त के मुख से निकली जब उन्होंने दामोदर पंडित से वार्ता की। तो क्या हुआ कि जो दामोदर पंडित है उन्होंने मुरारी गुप्त को कहे कि आप जो है कृपया बताइए, हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो बाल्य चरित है उसको बताइए। तो मुरारी गुप्त जो है जो भी मतलब संस्कृत में उनके मुख से निकला तो वो जो है उसका नाम रखा गया गौरांग चरित। इस पुस्तक का श्रवण करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, इसलिए अब मैं भगवान गौर की लीलाओं को
बंगाली श्लोकों के रूप में लिख रहा हूँ। यद्यपि मैं इस कार्य को करने के योग्य नहीं हूँ, मैं अनेक त्रुटियाँ करता हूँ, कृपया मेरी उपेक्षा मत कीजिए और मुझ पर क्रोधित मत होइए। कह रहे हैं कि कहीं पे अगर मैं त्रुटि कर दूंगा, इसलिए वो संस्कृत में था, तो संस्कृत से ये क्या कर रहे हैं, बंगाली प्यार में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं पे अगर मैं गलती कर दूंगा तो है ना, आप मेरे पर गुस्सा मत हो जाइएगा। अपने समक्ष अमृत को देखकर कौन इसका आस्वादन करना पसंद नहीं करेगा, मुझ समान मूर्ख बालक आकाश में चंद्रमा को देखकर पकड़ने की कामना कर रहा है। इसी प्रकार मैं भगवान गौर की महिमा एवं यश का गान करने का इच्छुक हूँ, इसी कारण से मुझे अब वैष्णव कृपा की आवश्यकता है। मैं वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, मेरे हृदय में भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान करने की एकमात्र इच्छा है। भगवान हरि जो दो राम थे, जो अब ब्राह्मणों के मध्य चंद्रमा है, वही एकमात्र जीवन है। तो यहाँ पे आज हम विराम देते हैं। तो बहुत है ना, बहुत प्योरीफाइंग है चैतन्य मंगल, है ना, चैतन्य मंगल जो है, और चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत है कि नहीं, ये सब जो है क्या है, बहुत ही प्योरीफाइंग है। इसमें कूट कूट के जो है कृष्ण प्रेम भरा हुआ है प्यार प्यार में। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो अगला जनवरी में हम कई रथ यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे चैतन्य महाप्रभु का, तो तब तक ये चलता रहेगा, और ताकि हम है ना प्रॉपर कॉन्शियसनेस में चैतन्य महाप्रभु स्मरण कर पाए, गौर निताय की सेवा कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ललचंद दास ठाकुर की जय, चैतन्य मंगल की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।